पलवल में कोरोना वायरस की रोकथाम का जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल के नागरिक अस्पताल में सेवाओं का जायजा लिया और जिले के अधिकारियों के साथ पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बैठक की और आश्वासन दिया कि पलवल जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाएगा। वहीं जिले में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की भी बात कही गई है। इस अवसर पर उनके साथ पलवल विधायक दीपक मंगला, सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह, जिला उपायुक्त नरेश नरवाल भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में वे स्वयं प्रदेश के सभी अस्पतालों का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। तो जैसे कोविड का बढ़ता प्रभाव है, अब इसमें चूंकि सब तरफ मरीजों की संख्या बढ़ रही है और हम लोग व्यवस्थाओं के नाते से हर चीज की जानकारी ले रहे हैं, जहाँ कोई कमी है उसको ठीक करने के लिए निर्देश भी दे रहे हैं। खास करके ऑक्सीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा वैसे तो कल से प्रदेश में पूरा ठीक हो गया है, जहाँ जितनी आवश्यकता है सब जगह पहुँच रही है। अब कुछ इंडिविजुअल्स को जो गैस सिलेंडर देने हैं उनकी आवश्यकता और हमको ध्यान में आ रही है। आज सब जगह कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ अस्पतालों की आवश्यकता पूरी हो गई है वहाँ वहाँ जो इंडिविजुअल्स हैं डॉक्टर की परामर्श के ऊपर उनको भी गैस सिलेंडर देना शुरू कर देंगे। इसलिए कोई कठिनाई अब दिखाई नहीं देती है, फिर भी सावधानी बरतना हमारा काम है। हम अपना बचाव करें, अपने परिवार के लोग का बचाव करें, अपने समाज के बाकी लोग का बचाव करें और ये सावधानी बरतेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, अभी तो चूँकि रजिस्ट्रेशन है, वैक्सीनेशन है और ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं तकरीबन सब इनकी ठीक चल रही है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। फिर भी कोई अगर आवश्यकता आप लोगों को ध्यान में आती हो तो हमारे सीएम मरीज बाहर से दवाई ला रहे हैं, अभी तक यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, केवल बाहर से दवाई ला रहे हैं मरीज और सिविल अस्पताल में नहीं बताया। वेंटिलेटर तो चूंकि जितने उपलब्ध हैं उनको सबको ऑक्सीजन मिल जाए पहली प्राथमिकता हमारी ये है और इसके बाद अब एक्सपेंशन का काम शुरू कर रहे हैं। ऑक्सीजन हमारे पास पर्याप्त आ गई है, जहाँ जहाँ वेंटिलेटर अब अनयूज पड़े हैं उन सबको सब जगह भेज रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया जिले का और उसके अंदर पूरे सभी कोविड से संबंधित जितने अधिकारी हैं उनसे इस बारे में चर्चा की, समीक्षा भी की, पूरे अच्छे समझने की प्रयास किया उन्होंने और हमें दिशा निर्देश भी दिए कि हम लोग ग्रामीण अचल के अंदर जो लोग हैं उनका सर्वे करवाए और इसके अलावा ये भी दिशा निर्देश दिए कि जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनको जो होम आइसोलेशन के अंदर है उनकी होम के अंदर ही सुविधा दी जाए उनको और वो इलाज के लिए, लेकिन जिन लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उन्हें एडमिट ही किया जाए। तो उनको एडमिट के लिए बेड्स बढ़ाने के लिए कहा गया है कि आप बेड्स बढ़ाएं। बेड्स बढ़ाने की जो चीज़ है वो ऑक्सीजन पे है, तो हमने निवेदन यही किया कि ऑक्सीजन का कोटा जिले का जैसे बढ़ेगा हम बेड बढ़ाएंगे। वैसे भी जिले के जो बेड्स हैं सिविल हॉस्पिटल की हम बात करें तो यहाँ पर शुरू के अंदर कोविड के 25 बेड थे, फिर 40 किए गए, 70 किए गए, अब आज हमने अप्रूवल लिया है 170 तक इन बेड्स को पहुँचाने का हमें अप्रूवल मिला, लेकिन ये सब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ओवरऑल जिले में कितने बेड की व्यवस्था है प्राइवेट अस्पताल में? कुल मिला के अभी तक शुरू के अंदर हमारे पास पूरे जिले के अंदर 165 बेड्स थे कोविड के लिए जो थे, जिसमें प्राइवेट और सरकारी थे, अभी तक हमने 431 उनको पहुंचा लिया है और हमारा टारगेट ऑक्सीजन की व्यवस्था अगर बढ़ती है तो हम उसे 700 तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऑक्सीजन बढ़ाने की मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि इसके बारे में जो इनकी समीक्षा बैठक होगी शाम को उसके अंदर इसको इसके ऊपर विचार किया जाएगा। ठीक है जी, वेंटिलेटर इस समय हमारे पास जो उपलब्ध है सिर्फ 2 वेंटिलेटर जिले के लिए आए हैं, लेकिन हमने ये भी मांग की, आपने भाई बिल्कुल सही पूछा, हमने ये मांग की कि हमारा जो रेफरल सेंटर है वो नल्लड़ मेडिकल कॉलेज है और नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में यहाँ से सीधा वहीं जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने उन्हीं से यही निवेदन किया कि नल्लड़ में ये कहा जाए कि हमारे जिले के जो पेशेंट्स जो जिन्हें ऑक्सीजन पे हम नहीं संभाल पा रहे हैं और जिन्हें आईसीयू केयर की आवश्यकता है उन्हें नल्लड़ में प्रायोरिटी पर ऑक्सीजन के बाद में जो वेंटिलेटर की सुविधा दी जाए ताकि हम एक से एक जान को बचा पाए और कोविड के इस युद्ध को जीत पाए। धन्यवाद।